निश्चित तौर पर वो अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ाते हैं और अच्छा तेजी से वो डिसीजन लेते हैं काम करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन एक विश्वास की कहीं ना कहीं कमी होती है कि वास्तव में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, यहां लगातार हर दिन आप एक किसी नए व्यक्ति को, किसी नए डायमंड को, नए किसी सक्सेसफुल लीडर को मौका देते हैं, वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता है, लोगों के साथ में बातचीत करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ऐसा ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीजें कहीं नसीब नहीं हुई थी। लेकिन आज इन 20 सालों के बाद में हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ है, हमारी कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, हमारे लीडर्स इतने सक्सेसफुली इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कि हजारों लोगों की आज टेस्टिमोनी है जिसकी वजह से, जिसको सुन के हजारों लोग रोज प्रेरणा लेते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो ग्रेवल साहब आपको, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है। और मैं तो कहूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें और हमारी टीम को लगातार इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जिससे लोगों का जो विश्वास है इस बिजनेस के प्रति वो कई गुना बढ़ जाए। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज ये जो मौका मिला है, मैं कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और तीन ऐसी बातें हैं जो आप चाहें तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। नंबर फर्स्ट तो ये कि मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ में कि फाइनेंशियल फ्रीडम फार्मूला क्या है, यदि वो हम जान लेते हैं। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे क्लैरिटी काम करने की तब आई थी जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम फार्मूला के बारे में एक थोड़ा सा मालूमात हुई थी, पता चला था। और मुझे ऐसा मानना है कि यदि ये फार्मूला आपको पता चलेगा तो आप भी शायद बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस में काम कर पाएंगे। नंबर दूसरा ये है कि कैसे हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करें, ये भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और नंबर थर्ड जो है, तीन ऐसी सीक्रेट बातें जो मैं अपने पूरे 20 साल के करियर में मैंने जो समझी है, जानी है, कि ऐसी कौन सी वो तीन बातें हैं, तीन सीक्रेट्स हैं जिनको जान लेने से हम मतलब आश्वस्त कर सकते हैं अपने आप को इस बिजनेस में सफल होने के लिए। मैं एक एक करके आपके साथ में बातचीत करूंगा। लेकिन आज से 20 साल पहले जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरी जिंदगी कोई बहुत अच्छी तो नहीं चल रही थी। लेकिन कुछ एक ऐसा इवेंट जो आज तो आप ऑनलाइन इवेंट अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी किसी एक कपल को जो कि कहीं सिंगापुर से आया हुआ था, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 23 सालों से जुड़ा हुआ हूं, 23 और 24 सालों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन उस कपल को सुनने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में क्या भविष्य रहेगा, इंडिया में किस तरह से जाने वाला है, मुझे वहां विजन मिल गया था। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आपका विजन क्लियर है तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप कहां पहुंच सकते हैं आप खुद डिसाइड कर लेते हैं, और वही डिसीजन जो होता है वो आपको कामयाबी दिलाता है, आपको आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है। जब मैं उस कपल को सुन रहा था तो वहां जो बातें वो कपल शेयर कर रहा था, तो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई जो भी बातें बताई जा रही है, और मेरी जिंदगी में मैं इतनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी को चला पा रहा हूं, और जहां कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन इस पूरे इवेंट को देखने के बाद मैंने कोई डिसीजन लिया और मेरी जिंदगी 360 डिग्री पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वहां जिन बातों को जिस तरीके से शेयर किया तो मेरा बिलीव बढ़ा, मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया और काम करने का मन में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा हो गया कि कुछ ना कुछ कैसा भी करना पड़े लेकिन मेरे को इस बिजनेस को करना ही करना है, यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां मैं कामयाब हो सकता हूं, और मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यदि मैं देखूं तो उसके पहले जो मेरा नेचर था, और मैं इतने दिनों से लोगों की साइकोलॉजी को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि जब जीवन में हमारे कोई चीज आने वाली होती है तो कहीं ना कहीं हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं और रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ जिंदगी भर चलता रहा जब तक मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख लिया, ज्वाइन नहीं कर लिया।
जब भी मेरे जीवन में कोई छोटा सा भी निर्णय लेने की बारी आती थी, डिसीजन लेने की बारी आती थी, तो मैं खुद अपने आप को सक्षम नहीं पाता था। मेरी परवरिश या कह लें कि मेरा जो नेचर था या आसपास का वातावरण कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी भी चीज में निर्णय ले पाऊं, और हर निर्णय को मैं कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की तरफ या अपने रिश्तेदारों में या अपने माता पिता, अपने भाई बहन, इन पर डिपेंड रहा करता था। जीवन में छोटी सी भी कोई बात आती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं काबिल नहीं हूं कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, और कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंट था। और न केवल ये मेरे साथ में होता है, जब मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, आगे बढ़ना शुरू किया, तो ये पोजीशन मेरे ख्याल से हर इंसान की कहीं ना कहीं हुआ करती है। जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, और यही वजह होती है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये कुछ बातें होती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चला करती है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आप शायद रिलेट करेंगे इस बात को, कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के साथ में जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सूप के बारे में पूछा जाता है, सूप का ऑर्डर देते हैं कि भाई आप कौन सा सूप लेंगे, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आप जो पसंद करेंगे वही हम सूप ले लेंगे, या फिर चलेगा कोई भी चलेगा। तो एक छोटे से सूप लेने की डिसीजन लेने की बारी आती है, तब भी वो हम खुद नहीं लेते हैं, किसी और पर हम डिपेंडेंट होते हैं, और हमारी जिंदगी इस तरह की छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं हम निर्भर हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने ऐसा भी कई लोगों को देखा हुआ है कि शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त को लेकर के जाते हैं, और दोस्त से पूछते हैं कि भाई तेरे को पसंद आई कि नहीं आई, यदि तेरे को पसंद आ गई है तो बोल क्या करना है करके। तो जीवन के वो महत्वपूर्ण निर्णय जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, जीवन टिका हुआ है, उसके लिए भी हम खुद सक्षम नहीं होते हैं और किसी ना किसी दूसरों पर हम निर्भर रहा करते हैं। और जब हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो हमने शायद अपना डिसीजन नहीं लिया था और डिसीजन हम पर थोपा गया था, और कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तेदारों पर निर्भर थे, या घर में कोई पढ़ा लिखा था, या कोई हमारे रिश्तेदारों में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसके पास हम काउंसलिंग के लिए गए थे, जिसको देख करके हमने डिसीजन लिया था कि हमको इसके जैसा बनना है। हालांकि उसकी जिंदगी को नहीं देख पाए थे हम कि वास्तव में वो जो काम कर रहा है वो कितना खुश है, कितना कामयाब है, कितने अच्छे तरह से जिंदगी जी रहा है, लेकिन हमने बस कुछ बातें देख करके अपना डिसीजन ले लिया था। और जिंदगी भर कहीं ना कहीं हम इसी तरह से जिंदगी निकाल देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, शायद आप रिलेट करेंगे, कि जब हम कभी दुकान में कोई शॉपिंग करने जाते हैं और किसी हम कपड़े को पसंद करते हैं, तो ज्यादातर हमने देखा है लोगों को कि सर वो दुकानदार से पूछा जाता है कि भाई बताओ ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है, और वो दुकानदार आपको एडवाइस करता है या लोगों को एडवाइस करता है कि आप पर ये अच्छा लग रहा है, आप ये नहीं ये वाला लो। तो लोग है ना तैयार हो जाते हैं उस दुकानदार की बात मानने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि दुकानदार हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा होशियार है, और हम कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। और यही एक छोटा सा नेचर है मेरा भी चल रहा था जिंदगी भर। मैं समझ लीजिए कि इस बिजनेस में आने के पहले जो भी काम कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं था, और किसी तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा, उस अपॉर्चुनिटी को, उस इवेंट में देखा, तो कहीं ना कहीं एक निर्णय तो ले लिया था मैंने कि कुछ भी हो जाए आज के बाद यदि मैं करूंगा तो अपने मन की करूंगा, और जो मेरा मन बोलेगा, जो मेरा दिल बोलेगा, और मैं वही करने वाला हूं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और के डिसीजन की जरूरत नहीं है। और शायद वो दिन था जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था और उसके बाद काम करना शुरू किया, और पीछे पलट करके कभी भी मैंने नहीं देखा। मैंने अपने ऊपर भरोसा किया, मेरा दिल जो करा वो मैंने किया। और सच बताऊं दोस्तों, एक अकेली छोटी सी बात कि जीवन में यदि रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ एक अकेली बात कि हम कहीं ना कहीं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं और दूसरों के बताए हुए चीजों पर कहीं ना कहीं अपनी बातों का हम वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और जैसे ही ये पहला स्टेप आप पार करते हो,
तो आपकी जिंदगी में आगे बिलीव करो कि हर इंसान में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। मैं आगे अपने बारे में बताऊंगा, शायद आप रिलेट करोगे कि एक इंसान कहां था और कहां से कहां पहुंच सकता है। ये ताकत और ये पोटेंशियल हर इंसान के अंदर मौजूद है, बस एक ही काम उसको करने की जरूरत है कि जो रेजिस्टेंस उसने अपनी लाइफ में बना रखा है वो किसी और पर जो निर्भर है उससे बाहर निकले और अपने ऊपर भरोसा करे। सिर्फ एक अकेली चीज जीवन में उसको कामयाबी दिला सकती है, आगे बढ़ा सकती है। और इस बिजनेस से आपको क्या मिलने वाला है वो कुछ बातें हैं जो आज मैं, मुझे मौका मिला है तो मैं अपने बारे में बताऊंगा और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, ये एक फोटोग्राफ है जो मेरे बचपन का फोटोग्राफ है, जो मेरे कॉलेज टाइम का फोटोग्राफ है जब मैं स्टडी कर रहा था। और मैं कोई बहुत ज्यादा होशियार नहीं था पढ़ने में। उस समय जो मेरा नेचर था वो बहुत ही इंट्रोवर्ट मेरा नेचर था। इंट्रोवर्ट मतलब मैं खुद ही खुद अपने अंदर में सारी बातें रखता था लेकिन किसी के साथ में शेयर करना की हिम्मत नहीं थी या मैं कर नहीं पाता था। और कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार नहीं था। बस किसी तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ये ग्रेजुएशन मैंने जो किया था 1986 में किया था और कॉमर्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और चूंकि नंबर अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में होशियार नहीं था, हाँ खेल कूद में बहुत होशियार था और पढ़ाई के अलावा सारी चीजों में मेरा बहुत मन लगता था। और इस छोटी सी डिग्री को लेके जब मैं मार्केट में निकला तो मुझे पता चला कि इतनी छोटी डिग्री के साथ में कोई न तो कोई बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है न कोई बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। लेकिन उसी समय कंप्यूटर का मार्केट में आना शुरू हुआ, इंडिया में कंप्यूटर्स आने शुरू हुए और धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स का इंस्टॉलेशंस और कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत सारे जॉब निकलने शुरू हुए और धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन की एक इंडिया में शुरुआत हुई। और उसी समय मैंने, चूंकि मेरा टेक्निकल माइंड था और किसी वजह से मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन कॉमर्स में मुझे एडमिशन मिला, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, वो अफसोस कहीं ना कहीं से था। लेकिन मेरा जो नेचर था, या मैं घर में कोई भी चीज सुधारनी होती थी, घर में कोई भी काम होता था टेक्निकल, तो मुझे बुलाया जाता था और मैं हमेशा उस काम को करने में बहुत मजा आता था मुझे, और उस काम को कैसे भी करके मैं कर ही लिया करता था। और जब कंप्यूटर का आगमन हुआ, कंप्यूटर के कोर्सेज मार्केट में बनने शुरू हुए, तो उसी समय मैंने एक डिसीजन लिया और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और कंप्यूटर्स में मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाना शुरू किया। और ये समझ लीजिए कि मैंने कोर्स करने के बाद में करीब करीब 2 से 3 जगह 1200 रुपए के आसपास में मैंने अपना जॉब किया, काम करता रहा, लेकिन कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी भर जो भी काम कर रहा हूं, मैं जिस भी जगह जॉब कर रहा हूं, वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं वहां क्लासेस भी लिया करता था, लोगों को कंप्यूटर्स भी सिखाया करता था, डेटा प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस, हर चीज मैं किया करता था। तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि सुबह से लेकर रात तक मैं इतनी मेहनत करता, इतना सब कुछ करता, लेकिन जो मेजर जो चंक हुआ करता था, जो कमाई थी, वो मेरा जो ओनर था वो उस इंस्टीट्यूट का, वो ना कहीं लेकर के चला जाया करता था। तो ये फीलिंग आई कि कहीं जब मैं सभी काम मैं कर लेता हूं तो क्यों ना मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करूं। और वो इंस्टिंक्ट मेरे को मैं अंदर से पैदा हुई और मैंने अपने पिताजी के सामने ये बात रखी कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी जो थे स्टेट बैंक में काम किया करते थे, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी थी और इतना पैसा नहीं था कि कोई इंडिपेंडेंटली हम बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन चूंकि पिताजी बैंकर थे तो उनको ये तो पता था कि लोन किस तरह से लिया जा सकता है, और उन्होंने मेरी बात को, मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लोन लिया, बैंक लोन लिया, जो कि 2,65,000 रुपए का लोन था। वो लोन लेकर के मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, उस बिजनेस की शुरुआत करी। लेकिन मैं लगातार अगले 14 से 15 साल तक लगातार काम करता रहा। 1988 में मैंने अपना ये बिजनेस शुरू किया, लेकिन लगातार 14-15 साल तक काम करने के बावजूद भी कोई बहुत अच्छे पैसे नहीं बना पाया।
मेरा इंस्टीट्यूट जो था, कोई भी आकर के देखता तो जरूर बोल सकता था कि यार क्या ठाट बाट है, कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, सब चल रहा है। लेकिन जो भी कमाई आया करती थी, मेरे यहाँ जो लोग काम किया करते थे, मैं उनको सैलरी बांटने के बाद, रेंट देने के बाद, बैंक का लोन का इंटरेस्ट देने के बाद में मेरे पास में हाथ लाई जीरो रहती थी, और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हैंडसम अमाउंट में कभी भी लेकर के नहीं जा सकता था। लगातार जिंदगी के 15 साल मैंने इस उम्मीद में निकाल दिए कि जिंदगी आज नहीं कल शुरू अच्छी होगी, आज नहीं कल मेरा जीवन अच्छा होगा, और जिंदगी इस तरह से कहीं ना कहीं निकलती चली गई, पता भी नहीं चला। और दोस्तों सच बताऊं तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन शुरू किया, तो ज्वाइनिंग के टाइम पर मेरा जो फोटोग्राफ था वो आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं कि वर्षा मैडम को आपने अभी भी देखा होगा, मेरा जो हुलिया था और जो मेरे बच्चे थे वो गोद में थे, ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ है जो वास्तव में आप देख सकते हैं कि जब मैंने एग्जैक्टली इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मैं इस तरह का कुछ दिखाई दिया करता था, और ये हुलिया था, बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास, आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली थी, और बस किसी भी तरीके से जिंदगी चल रही थी, और कोई बहुत अच्छी अर्निंग तो नहीं कर पाया था। और यदि देखा जाए तो जिंदगी के 15 साल मैंने उम्मीद में निकाल दिए कि जिंदगी अभी अच्छी होगी, तभी अच्छी होगी, लेकिन जिंदगी हाथ से निकल गई, जिंदगी के 15 साल तो हाथ से निकल चुके थे। और इस बीच में मैं कभी भी इस पोजीशन पर नहीं आ पाया कि मैं अपनी वाइफ को कोई बहुत अच्छी सी साड़ी लेकर के दे पाऊं या बच्चों को बहुत अच्छे खिलौने लेकर के दे पाऊं। लेकिन जो कुछ भी इस बिजनेस को देखने के बाद मन बना, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहां से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, और बस मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को देखा और शुरू शुरू कर दिया इस बिजनेस को। लेकिन सच बताऊं तो इस बिजनेस में आने के पहले एक कंसेप्ट है जिसके बारे में मुझे वहां बताया गया था, जिसके बारे में बात की गई थी, शायद वो नहीं बताया गया था तो मैं जिंदगी में इतना जल्दी डिसीजन लेकर के पूरे अपने आप को इन्वॉल्व करके काम नहीं करता। और आज मुझे मौका मिला तो जरूर उस स्लाइड को जरूर दिखाऊंगा जो वास्तव में सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर करी थी और जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और इस बिजनेस में आने का मैंने डिसीजन लिया था। वहां मुझे बताया गया था कि हमारे कुछ ना कुछ ड्रीम्स हुआ करते हैं, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम ये कुछ ड्रीम हुआ करते हैं हमारे लाइफ के, हम बहुत अच्छी रिकॉग्निशन चाहते हैं, बहुत अच्छी बड़ी सी कार चाहते हैं, हम अपना खुद का बंगलो घर चाहते हैं, हम बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहते हैं, बहुत अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का चाहते हैं, बहुत अच्छी वेकेशंस पर हम और अपने परिवार के साथ में घूमने चाहते हैं। ये हमारे कुछ ड्रीम होते हैं हमारे लाइफ के जो हम जिंदगी भर देखते हैं, और इन ड्रीम्स को पूरा करने में ही हम अपना कहीं ना कहीं पूरा जीवन लगा देते हैं। ये हमारे ड्रीम्स के, हमारे लाइफ के ड्रीम्स हैं। लेकिन इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यदि हम अपनी इनकम देखेंगे तो इनकम जो होती है वो बहुत कम हुआ करती है। यदि दोनों सर्कल को आप देखेंगे तो हमारे ड्रीम तो बहुत सारे हुआ करते हैं, ड्रीम का सर्कल हमारा बहुत बड़ा हुआ करता है, लेकिन हमारी उस एवज में यदि हम देखेंगे तो हमारी इनकम जो होती है, इनकम का सर्कल जो होता है वो बहुत छोटा हुआ करता है। और इतनी छोटी सी इनकम में इतने सारे ड्रीम्स को पूरा करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, और वो हो नहीं पाता है। तो फिर हम करते क्या है, हम कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जिस रिकॉग्निशन की बात सोचा करते थे, हम सोचते हैं कि चलो रिकॉग्निशन की क्या जरूरत है, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, शायद हमारी जिंदगी में यही सब कुछ है, और ऐसे कुछ नियति मान करके हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। वो बिग कार, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, और छोटी सी कार से अपना जो है ड्रीम पूरा करना शुरू कर देते हैं। बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब धीरे धीरे जो है ना, हम सोचते हैं कि चलो ये तो हमारी किस्मत में नहीं है, और हम कहीं ना कहीं खुशी खुशी अपने सपनों को स्क्वीज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सपनों को कहीं ना कहीं छोटा कर लेते हैं, और इतना छोटा कर लेते हैं जितनी हमारी इनकम है। हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि हम कैसे अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही तरीका आता था, हमने शुरू में कोशिश करी, नहीं कामयाब हुए तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, और अपना कॉम्प्रोमाइज करके जितनी इनकम आ रही है उस हिसाब से हम अपने ड्रीम को करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन मुझे पहली बार इस बिजनेस को जिस बंदे ने दिखाया था, जिस व्यक्ति ने दिखाया था, पता चला कि हमें ऐसा नहीं करना। लाइफ में जब मौका आए तो हम अपने 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 ड्रीम के सर्कल को बड़ा, हम अपने इनकम को सर्कल को कैसे बड़ा कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी मिली और मुझे पता चला कि नहीं, शायद मैं जिंदगी की शुरुआत में पढ़ाई से निकलने के बाद जिन सपनों को लेकर के मैं मतलब अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था, धीरे धीरे जब सफलता नहीं मिली तो मैंने अपने धीरे धीरे अपने सपनों को कहीं ना कहीं खत्म कर लिया, उन ड्रीम्स को देखना ही बंद कर लिया और मान लिया कि मेरी जिंदगी में तो यही सब कुछ है और कॉम्प्रोमाइज करके मैं अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब पहली बार मुझे पता चला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है बल्कि इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में पता चला और मैंने जब ये नॉलेज मिला, जब ये कंसेप्ट मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस बिजनेस को किया जा सकता है। मैंने काम करना शुरू किया और ये जो मेरा सेफ शॉप बिजनेस का सफर शुरू हुआ, इसमें मन लगा करके काम किया। ये बिजनेस मुझे कैसा मिला, दो मिनट में जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बता देता हूं कि सेफ शॉप शुरू करने के बाद में पहले तो जो जिंदगी थी वो कुछ इस तरह से थी और अभी की जिंदगी कुछ इस तरह की है, जहां पर बहुत सारे रिकग्निशन है, बहुत सारा सम्मान है, लगातार बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। जहां संजय जैन को कोई नहीं जानता था, आज यदि आप गूगल पर टाइप करेंगे संजय जैन, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे फोटोग्राफ और सारी चीजें जो है आपको सामने दिखाई देगी। तो यदि मैं किसी एक चीज को बोला जाए कि जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ, तो मैं एक ही नाम लेना चाहूंगा, सेफ शॉप मेरी जिंदगी में पहले नहीं थी तो मेरी जिंदगी क्या थी, और सेफ शॉप आज मेरी जिंदगी में है तो सिर्फ एक अकेली चीख ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। आज भी मैं यदि किसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं तो ये कंपनी, ये अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आज इस बिजनेस में मैं कामयाब हुआ हूं। मेरी जिंदगी से यदि सेफ शॉप निकाल दिया जाए तो शायद कुछ बचेगा तो वही पुरानी जिंदगी बचेगी। सेफ शॉप एक बहुत बड़ा पावर है, सेफ शॉप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एक अंतिम व्यक्ति जो वास्तव में हमारे समाज में एकदम लोएस्ट पोजीशन पर है, वो भी यदि चाहे तो इस बिजनेस में थोड़ी सी मेहनत करके, प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। आज जिन बच्चों को मैंने गोद में लेकर के इस बिजनेस को शुरू किया था, आज वो बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन रिसेंटली कंप्लीट करी है, सिडनी से उन्होंने मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट का डिग्री ली है, इसके पहले उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंजीनियरिंग करने के बाद में वो आज बहुत बढ़िया एक यूके की कंपनी में जॉब कर रहा है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो सेफ शॉप के पहले क्या जिंदगी थी और सेफ शॉप के बाद में क्या जिंदगी थी, ये आपके सामने है। ये दोनों बच्चे जिनको आपने गोदी में देखा था, आज वो बहुत शानदार जिंदगी और बहुत शानदार ड्रीम अपना पूरा करते हुए अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि मेरे इस सेफ शॉप में क्या मेरे अचीवमेंट्स हैं, तो सच बताऊं तो इस बिजनेस ने मुझे ड्रीम, अपने जितने भी ड्रीम्स हैं सारे ड्रीम्स को पूरा करने का मौका दिया। लेकिन यदि सबसे बड़ी बात यदि मुझसे पूछी जाए कि वास्तव में इस बिजनेस ने क्या दिया, तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इसने मुझे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट किया। वास्तव में जहां मैं चार लोगों के साथ में बातचीत नहीं कर पाता था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का व्यक्ति था, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। मैं कहां था आज कहां पहुंच गया सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत, इस बिजनेस में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनकी बदौलत इसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि मैं मानता हूं तो पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा जो कॉन्फिडेंस लेवल मिला बिल्कुल जीरो था, आज इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई है। यदि मैं देखूं तो एक माइंडसेट, जो पहले का माइंडसेट था वो पूरी तरीके से चेंज हुआ है, एक नया माइंडसेट इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में बदला है, ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट मैं मानता हूं। पहले जो मेरे पास में स्किल्स थी वो स्किल्स नहीं थी कुछ भी, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में ढेर सारी स्किल्स को सीखने का मौका मिला और यही वजह है कि उन स्किल्स को यूज करके आज मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से
चला पा रहा हूं, बहुत खुशी खुशी जिंदगी को और इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कामयाबी के साथ में रन कर पा रहा हूं। यदि देखा जाए तो इस बिजनेस ने मुझे पहचान दी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे बड़ी सोच करके साथ में इस बिजनेस को किया जा सकता है, कैसे हम बड़ा सोच सकते हैं, इस बिजनेस की बदौलत ही मुझे ये जानने का, सीखने का और करने का मौका मिला। यदि मैं देखूं तो कैसे सम्मान हमें मिलता है और कैसे हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं, इस बिजनेस ने हमें सिखाया। पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन यही बिजनेस है जो आपको पैसे के साथ साथ, पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये जो इंटरनल आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है, शायद कहीं और कभी नहीं मिलता है। सीखने का मौका मिला कि गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड कैसे ठीक रखा जा सकता है, किसी दूसरों के साथ में हम कैसे रिलेशनशिप रख सकते हैं, कैसे कामयाबी के साथ में हम रिश्ते बना सकते हैं दूसरों के साथ में, जिनकी वजह से ही सबसे ज्यादा हमें खुशी मिलती है। पैसा बहुत ज्यादा खुशी नहीं देता है, लेकिन ये सारी चीजें, पैसा तो देखो कमाना ही है, पैसा तो हमें इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिलना ही मिलना है, वो सारे बाई प्रोडक्ट हैं, आप चाहोगे नहीं चाहोगे। जब इस मार्ग पर चलना शुरू करोगे तो सक्सेस के रूप में सबसे पहले आपको वीकली चेक से मिलने वाले हैं, और हर बार यदि सही दिशा में आपने प्रयास किया तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करके आपको ये सारी इनकम मिलने वाली है। ये तो मिलना ही मिलना है, लेकिन इनके अलावा जो मिलने वाला है, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है, ये सारी चीजें मिलने वाली है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वास्तव में कैसे एक अच्छा इंसान बना जा सकता है, कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है, ये इस बिजनेस के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कामयाब हो सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बिजनेस तो आपको आपको कामयाब बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आप में ये भी काबिलियत है कि आप के माध्यम से आप खुद यदि डिसीजन लेते हैं तो आप भी हजारों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो इस बिजनेस के माध्यम से आपको पैसे के अलावा मिलने वाली है। यदि मैं पैसे की बात करूं तो आपको तो पता ही है, आप जानते ही होंगे कि मैं जिस लेवल पर काम कर रहा हूं आज, इस मुझे बताते हुए खुशी है कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का यदि अवसर किसी को मिला है तो वो मुझे मिला हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा मैंने इस बिजनेस के माध्यम से बनाया है। यदि मैं अर्निंग की बात करूं तो आज मेरे नेटवर्क में करीब करीब 7 क्राउन एम्बेसडर्स हैं और एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना तो एक स्टेबिलिटी की बात आती है, और इस तरह के बिजनेसेस को ज्वाइन करने के पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये तो टेम्परेरी बिजनेस है, कितना चलेगा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा ये चलता नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो आज ये उदाहरण है, हमारे जितने भी लीडरशिप है, जितने भी हमारे कामयाब डायमंड्स है जिनकी स्टोरीज आप देख रहे हैं, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इन अर्निंग्स को ले पा रहे हैं और आगे ये सारी की सारी अर्निंग को सुरक्षित कर पा रहे हैं। और ये जो फिगर्स मैं बता रहा हूं कि करीब करीब 7 क्राउन एम्बेसडर्स हैं, 20 जो है करीब करीब क्राउन्स हैं, 50 जो है वीनस हैं, 50 से 60 जो है मरकरी हैं, और करीब करीब 1200 लोग जो हैं इस बिजनेस में डायमंड लेवल पर हैं जो हमारी इस टीम में काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा स्टेबिलिटी और क्या हो सकती है, आप देख सकते हैं। यदि सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करें तो वास्तव में ये बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, आपको एक बहुत स्थायी अर्निंग दे सकता है। पिछले 20 सालों से तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और मुझे बताते हुए खुशी है कि करीब करीब 17 सालों से मैं लगातार कैपिंग पर हूं और एक भी ऐसा वीक नहीं गया है जहां मुझे इस बिजनेस के माध्यम से कैपिंग ना मिली हो। इतनी स्टेबिलिटी के साथ में बिजनेस प्रेडिक्शन के साथ में आपको ये सफलता देता है। ना केवल मुझे ये सारे अचीवमेंट्स मिले, मुझे इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स 2016 एंड 2017 का एक अवार्ड मिला, जो वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं जिस पोजीशन से आया था, जिस जगह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, वहां पर इस तरीके का सम्मान मिलना, इस तरीके का स्टेज मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरा मुझे अवार्ड मिला था द मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2019 में, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वास्तव में ये बिजनेस कैसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, ये बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, 20 करोड़ एंड अबव का जो एक क्लब होता है जो हमारे शिफ्ट शॉप इंडस्ट्री में दिया जाता है, वो मुझे अचीव करने का मौका मिला। मर्करी लेवल मैंने अचीव किया,
क्राउन लेवल अचीव किया, लगातार एक के बाद में एक सारे ये लेवल्स मुझे अचीव करते जाने का मौका मिलता गया। और सच बताऊं तो यदि मुझे कहीं कामयाबी मिली तो ये दिशा ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी मिली। और आपके लीडर्स, आपके जो टॉप लीडर्स हैं, हमेशा दिशा ट्रेनिंग की बात करते हैं, दिशा ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो दिशा ट्रेनिंग को लिया भी करते हैं, एज ए दिशा ट्रेनर वो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। इसके बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या कंसेप्ट था और ऐसी बात क्या थी जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बात आई। तो जो कुछ भी जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया तो मुझे एक ही बात समझ में आती थी कि जो चीजें मैं कर पा रहा हूं दूसरे लोगों को मैं जब वो करने के लिए कहता हूं तो लोग उस काम को नहीं कर रहे हैं या वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे मैं बुक रीडिंग की बात करता था तो लोगों को लगता था कि सिर्फ ये प्रमोट करने के लिए, खुद रीड करने के लिए नहीं है। और लीडरशिप की बात आती थी तो मैं खुद अपने आप में चेंज कर रहा था, लीडरशिप पे काम कर रहा था, मेरी लीडरशिप में चेंज आ रहा था। और इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है जो मैं यूज कर रहा था और मुझे उनसे लगातार बेनिफिट मिल रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि यार जिन चीजों से मुझे फायदा मिल रहा है मैं दूसरों को भी बताऊंगा तो कितना बढ़िया होगा। तो जब मैं बताना शुरू करता था तो लोग, मुझे ऐसा लगता था कि सामने तो हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना मुझे चाहिए और लोगों में चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करें और उन चीजों पर काम करना शुरू करें जिनसे मुझे बेनिफिट मिला है, जिनसे मुझे कामयाबी मिल रही है। वो सारी चीजें भी यदि लोग डुप्लीकेट करेंगे और उस माइंडसेट को बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और मैंने जो कुछ भी नॉलेज मैंने पास्ट में लिया था, जो भी बुक्स पढ़ी थी, उन सबको कंबाइंड करके एक ऐसी स्लाइडों का एक सिलसिला तैयार किया, ऐसा कुछ स्टेप्स तैयार किए। और मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से यदि लोगों को समझाया जाएगा तो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और शायद रिजल्ट भी अच्छा आया। लोगों को जब उस तरीके से बताना शुरू किया तो लोगों की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, लोगों के माइंडसेट चेंज होना शुरू हुए और उस ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा फायदा मिलना शुरू हुआ। और लोग इस बात की क्रेडिट देते हैं, हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो हमेशा इस ट्रेनिंग के बारे में हमेशा क्रेडिट देते हैं कि इसकी वजह से कामयाबी मिली। और आगे भी जो लोग नई जनरेशन आ रही है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग को जरूर प्रमोट करें। आपके जो भी ट्रेनर्स हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, उन्होंने भी इस ट्रेनिंग को लेके लोगों के माइंडसेट पर काम किया है और ये ट्रेनिंग धीरे धीरे बहुत अच्छी ट्रेनिंग बन चुकी है। तो एक कामयाबी की वजह जो सबसे बड़ी मुझे ऐसी लगती है तो वो है दिशा ट्रेनिंग। इसको प्रमोट करें। दिशा लेवल 2 भी हमने कुछ लोगों के साथ में की है और ये भी एक प्रोसेस है जिसको आपको करना चाहिए। इस बिजनेस में मैं अकेला कामयाब होता तो शायद मुझे उतना मजा नहीं आता, लेकिन जिन सिस्टम्स को हमने बनाना शुरू किया, जिन चीजों से हमें फायदा मिला, हमने उसके सिस्टम्स बनाने शुरू किए और धीरे धीरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, उस पर हमने और हमारे सारे लीडर्स ने मिलकर के, हमारे ओजीसी क्लब के लीडर्स ने मिलकर, और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यदि कहीं पर किसी को मैं देना चाहूं इस पूरी सिस्टम के लिए तो हमारे मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से और जिन चीजों से उन्हें फायदा मिला उनकी कुछ स्टेप्स बना करके इस सिस्टम को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी है। और उन सिस्टम को फॉलो करके मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सिस्टम को यदि आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी सक्सेस श्योरिटी के साथ में आप ले सकते हैं। बस उन सिस्टम्स को फॉलो करने की जरूरत है। और लगातार ये कारवा बढ़ता चला गया और बताते हुए खुशी है कि करीब करीब 70 लाख लोगों का एक ग्रुप साइज है जो आज एज ए टीम हमारे इस बिजनेस में काम कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे अकेले सक्सेस मिलती तो मजा नहीं आता, लेकिन इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति अपनी हर उस व्यक्ति को इस बिजनेस ने सम्मान दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है और रिकॉग्निशन दिए है, जिसने जिद के साथ में और पूरे मेहनत के साथ में इस बिजनेस को पूरी फोकस होकर के करने की कोशिश की है, उस बिजनेस ने इसको जरूर ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे देशों की यात्राएं करने का मुझे मौका मिला। यदि मैं देखूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक ड्रीम होता है, हर आदमी चाहता है कि यूएसए जरूर जाए, वहां पर मैंने कई सारी सिटीज को विजिट किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसको विजिट किया। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया।
यूके में जाने का मुझे मौका मिला, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में विजिट करने का मौका मिला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या हम देखें तो मेलबर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाने का मौका मिला। तो इस तरह से ये जिंदगी ने 360 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री इसने पूरी तरीके से मेरे जीवन को बदल दिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, जब आपके पास में पैसा आता है तो आप चाहते हो कि भाई आप जुड़ो, संस्थाओं से जुड़ो, और जीवन में आपको मौका मिल रहा है, आपको पावर मिल रहा है, आपको शक्ति मिल रही है, ईश्वर आपके लिए मेहरबान है, तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों के साथ में भी सारी चीजों को बांटना चाहिए। और धीरे धीरे करके कुछ संस्थाओं से मुझे जुड़ने का मौका मिला, जहां हम अपना मन चाहा एक कंट्रीब्यूशन वहां पर उनके उनकी उत्थान के लिए हम दे पाते हैं। इस तरीके से ये जीवन में आपको ये मौका मिलता है। यदि मैं बात करूं कि आपको करना क्या पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर 2 या 3 मैं सीक्रेट जरूर आपके साथ में देना चाहूंगा कि लगातार हम जीवन में कहीं ना कहीं एक जिंदगी की दौड़ में लगातार लगे हुए हैं। 10 से 5 हमारा समय कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है, और पूरा जीवन, मेरा भी यदि इस बिजनेस के आने के पहले की बात करूंगा तो जीवन कहाँ, मतलब टाइम कहाँ जाता था मुझे पता नहीं चलता था, दिन, महीने, साल, 15 साल कैसे निकल गए जीवन के पता भी नहीं चला, और जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे इस बिजनेस के माध्यम से सारी बातें जानने का, समझने का मौका मिला, उन पर चलना शुरू किया, और धीरे से कैसे जिंदगी बदल गई आपके सामने है। 4 तरह की चीजें होती है यदि आप इनकम करना चाहते हैं। तो एज ए एम्प्लॉय आप काम कर सकते हैं कहीं पर, मतलब वहां पर आप अपना टाइम देते हैं, वो टाइम के एवज में आपको अर्निंग होती है। यदि आप देखोगे तो पूरी दुनिया का 5% ही आपको मिल पाता है, और एज ए बिजनेस ओनर आप काम करते हो तो 95% में से कुछ परसेंट आपको मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपके साथ में यदि देखेंगे तो 95% पॉपुलेशन जो है यही काम कर रही है। और इसी तरीके से यदि आप देखोगे तो एज ए इन्वेस्टर यदि आप काम करते हो तो पूरी सिर्फ 5% पॉपुलेशन जो है एज ए इन्वेस्टर काम करती है। तो आपके पास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका एज ए इन्वेस्टर ही आपके हाथ में बचता है। लेकिन पैसे ही होते तो फिर क्या बात थी, पैसा हमारे पास में है नहीं, हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो उसको पूरा करने के लिए एक कंसेप्ट और हमें देखना होगा कि ये बिजनेस हमें मौका देता है। एक कंसेप्ट और हमें समझना पड़ेगा कि पुअर पीपल, यदि जो गरीब लोग हैं, और जो रिच पीपल, जो 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 पैसे वाले लोग हैं, इन दोनों के बीच में यदि आप डिफरेंस देखोगे तो एक ही बात समझ में आएगी कि जो 95% लोग जो हैं उनके पास में पूरी दुनिया का 5% का ही वेल्थ और प्रॉपर्टी का एक कंट्रीब्यूशन आता है उनके हाथ में। और रिच पीपल का यदि आप देखोगे तो पूरी दुनिया, मतलब 5% लोग इसमें हैं, और उन 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का जो वेल्थ है, 95% वेल्थ है और प्रॉपर्टी है, वो इन 5% लोगों के पास में है। और यदि हम देखें तो जिंदगी भर हमें यही सिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, कैसे अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, और कैसे अच्छा एक अकाउंटेंट बना जा सकता है। यही कुछ एजुकेशन है जो हर परिवार के लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर या इसी तरह की किसी उसमें भेजना चाहते हैं। लेकिन होगा क्या, अल्टीमेटली हमारा जो एंड है वो लास्ट में जाकर के वही होगा कि हम कुछ दिन काम करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपना एक मकान बना लेंगे, कुछ मेहनत करके लोन लेकर के कोई एक कार ले लेंगे, और जिंदगी किसी भी तरीके से हम निकाल देंगे। लेकिन जीवन में मजा तभी है जब आपके पास में भरपूर पैसा हो, और यही एक अकेला बिजनेस है जो आपको मौका देता है 5% की कैटेगरी में आने का, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ आपकी चाहत और आपके ड्रीम्स यदि हैं तो आप निश्चित तौर पर इस 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपके जितने भी लीडर्स हैं वो वास्तव में 5% की कैटेगरी में आते हैं, जो अपनी लाइफ को अपनी अपनी कंडीशन पर चला रहे हैं, अपनी मर्जी पर अपनी जिंदगी को चला पाते हैं। ये मौका आपके पास में भी है। एक कंसेप्ट और जो हमको समझने की जरूरत है, और ये जब मुझे बताया गया था तो मुझे लगा कि नहीं, यही वजह है जिसकी वजह से हम कामयाब हो सकते हैं, ये पहली बार मुझे पता चला था। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यदि आप चांद पर पहुंचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? क्या आप साइकिल से चांद पर पहुंच पाएंगे? नो
निश्चित तौर पर साइकिल से चांद पर कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि आपको चांद पर पहुंचना है तो आपको रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। रॉकेट ही एक वो सिस्टम है जिसकी वजह से आप रॉकेट चांद पर पहुंच सकते हैं। और ये जब पहली बार किसी स्पीकर को मैंने बोलते हुए सुना तो मेरे तो दिमाग के दरवाजे खुल गए कि एक छोटी सी बात वास्तव में कि जिंदगी भर हम लगे हुए हैं कहीं ना कहीं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिनको जिन जिन साधनों से हम वहां पर कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम जिस जॉब को कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस या वो जॉब हमें कभी वो जिंदगी नहीं दे सकता है जो जिंदगी हम पाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी भर हम मेहनत करते रहते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे हम चांद पर तो नहीं पहुंच सकते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे उस जॉब से उन सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं जिनको वास्तव में हम देख रहे हैं। और सारी जिंदगी हम कहीं ना कहीं मेहनत करते रहते हैं उस मक्खी की तरह जो कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में है और बंद कमरे से वो बाहर निकलना चाहती है वो मक्खी, और आपने देखा होगा कि वो कांच से टकरा टकरा करके अपनी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म कर देती है। उसे लगता है कि वो कांच जिससे वो टकरा रही है उससे टकरा करके वो उस रूम से बाहर निकल जाएगी, लेकिन कितनी भी वो टकरा ले कितनी भी वो कोशिश कर ले लेकिन कभी भी आप देख सकते हैं कि वो मक्खी उस कांच को तोड़ नहीं सकती है, उस कांच के बाहर नहीं जा सकती है। जबकि उसे ये नहीं पता है कि उसके बाजू में ही एक दरवाजा है जो खुला हुआ है, उसमें यदि थोड़ी सी वो कोशिश कर ले बाहर निकलने के लिए तो उस दरवाजे से बाहर निकल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के उसके बारे में उसे पता नहीं है। लेकिन लगातार वो टकरा टकरा करके अपनी जान दे देती है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हम जिंदगी भर जिस काम को करते हैं हमें लगता है कि उस काम को कर लेने से जिंदगी भर पूरी मेहनत कर लेने से हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, बहुत अच्छी जिंदगी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है। लेकिन ये कंसेप्ट जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, दरवाजा तो है कहीं ना कहीं और उस दरवाजे के बाहर निकला जा सकता है। और उस दरवाजे के रूप में ये अपॉर्चुनिटी पहली बार मुझे पता चली, मैंने इसको ज्वाइन किया और आपके सामने है किस तरीके से जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। यही मैसेज देना चाहता हूं नए लोगों को जो इस बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या उन लोगों को जो अभी रुक करके देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे और फिर डिसीजन लेने वाली स्टेज में है। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यही एक ऐसा रास्ता है हमारे आपके पास में जिसमें मेहनत करके, जिसमें सही दिशा में प्रयास करके हम जिंदगी में बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हैं, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से अपनी कामयाब बना सकते हैं। एक 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 कंसेप्ट और है जो जरूर आपको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल सक्सेस फार्मूला यदि आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया, निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे और वो फाइनेंशियल सक्सेस फार्मूला आपके हाथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल सक्सेस फार्मूला है, फाइनेंशियल सक्सेस फार्मूला जो है FS=D×V×W। अब ये डी वी एंड डब्ल्यू क्या है तो यदि हम देखेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस इक्वल्स टू ड्रीम मल्टीप्लाइड बाय व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय वर्क। आपके पास में देखिए ड्रीम तो बहुत है, जो खत्म हो गए हैं तो हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जितने भी लीडर्स हैं वो बार बार आपसे ड्रीम की बात करते हैं। मैंने आज आपके साथ में ड्रीम की बात करी है, मैंने भी इस बिजनेस के पहले ड्रीम देखना छोड़ दिया था लेकिन यहां जगा दिया गया। मैं भी आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास ड्रीम है जिसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं आपको ड्रीम देखने के लिए, तो आप बड़े से बड़े ड्रीम देखो। यदि आपके पास में ड्रीम है तो आप अभी क्या कर रहे हो, कितने भी बड़े ड्रीम होंगे यदि व्हीकल आपका चेंज नहीं करोगे तो आप उस ड्रीम को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ड्रीम है, व्हीकल ऑलरेडी सेफ शॉप के रूप में, ये अपॉर्चुनिटी आपके व्हीकल के रूप में आपके हाथ में है जो आपने जैसे भी हो डिसीजन लिया इस बिजनेस में काम करने का। और काम तो वैसे भी देखिए हम और आप कर ही रहे हैं और आगे भी जिंदगी में हम करते रहेंगे, लेकिन जैसा आपका सिस्टम बताता है, जैसा आपके लीडर्स बताते हैं, यदि उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और उतना टाइम दे करके काम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सारी चीजें आपके हाथ में है। आर्थिक यदि सफलता चाहिए तो आपके पास में सपने होने चाहिए, नहीं है तो उनको बनाना शुरू करो, देखना बंद कर दिया तो फिर से उनको जीना शुरू कर दो, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। और जरिया या व्हीकल
जो जरिया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे काम छोड़ के इसमें लग जाओ, लेकिन मैंने भी पार्ट टाइम शुरुआत इसके इसकी जो की थी, बिजनेस जो शुरू किया था वो पार्ट टाइम शुरू किया था, धीरे धीरे फुल टाइम करना शुरू कर दिया। आप भी धीरे धीरे इस व्हीकल पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर के इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, और काम तो वैसे भी हमने करना है, लेकिन धीरे धीरे मैं एक और नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो काम आपको करना है वो धीरे धीरे कैसे वो ना के बराबर काम हो जाएगा, वो मैं आपके आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो एक ऐसी स्लाइड जिसने मेरे, मतलब समझ लीजिए कि आई ओपनिंग का काम किया था, मेरे माइंड को ओपन कर दिया था। देखिए, हम जीवन में जब काम करते हैं ना, तो दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है लीनियर ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो लीनियर ग्रोथ का तरीका है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये दो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपका ब्लू कलर का बॉक्स है, एक आपका रेड कलर का बॉक्स है। यदि हम जॉब की बात करें जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, यदि हम बिजनेस की बात करें जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, आप 8 घंटे किसी जॉब में देते हैं या किसी बिजनेस में देते हैं और लगातार 30 दिन तक देते हैं, तो मतलब क्या हो गया कि आप अपने घंटों को बेच रहे हैं, और जितने घंटे आप बेचेंगे उतने आपको मल्टीप्लाई होकर के आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। और एक हम अंदाजा करते हैं कि यदि आपके 8 घंटे की वैल्यू 30 दिन तक देने वाले हैं, तो आपको किसी कंपनी में, किसी जॉब में 10,000 रुपए मिलेंगे या 20,000 रुपए मिलेंगे या 50,000 रुपए मिलेंगे, तो वो 20,000 रुपए या 50,000 रुपए आपको हर महीने मिलने वाले हैं। लगातार 1 साल काम करेंगे तो भी आपको 20,000 मिलने हैं, अगले 5 साल काम करेंगे तो भी आपको 20,000 मिलने हैं, जबकि आप अपना टाइम पूरा का पूरा 8 घंटे दे रहे हैं। 10 साल काम करेंगे तब भी आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है। सारी जिंदगी करीब करीब 35 साल आप काम करेंगे, 35 साल में भी आपको थोड़ा बहुत अर्निंग में इजाफा हो जाएगा। जो 20,000 की सैलरी है वो 40,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, लेकिन महंगाई भी आपकी उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरीके से देखेंगे तो ये लीनियर ग्रोथ पर हम काम करते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए मौका देता है कि आज आपकी 10,000 है, कल वो 20 होगी, परसों 20 और 25 भी हो सकती है। ये वीकली एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये कंसेप्ट जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में मैं कहीं ना कहीं टाइम तो दे रहा हूं, क्यों ना ऐसी जगह टाइम दो जहां पर मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। और मैंने इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के काम करना शुरू किया, और यही वजह थी कि मुझे ये ग्रोथ का फायदा मिला। इसमें होता क्या है, यदि 6 महीने तक काम करोगे तो ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है, तो आपको काम तो बहुत करना पड़ेगा लेकिन अर्निंग बहुत कम होगी। अगले 6 महीने में तो आपको दिखाई भी नहीं देगा कि कुछ हो रहा है। 12 महीने में भी आप काम बहुत करोगे लेकिन आपको जो अर्निंग होने वाली है वो बहुत कम होने वाली है। और यही वो समय होता है जहां पर लोग इस बिजनेस को छोड़ना पसंद करते हैं। जबकि आप देखोगे कि कहीं कुआं खोदना शुरू करोगे तो कुआं खोदने में शुरू के, समझ लीजिए यदि 10 दिन में कुआं खोदना है तो 9 दिन तक तो आप मेहनत करोगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 10वें दिन थोड़ा बहुत पानी आपको दिखाई देना शुरू होता है और बहुत ज्यादा डीप में जाकर के दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन 9 दिन में कुछ लोग खुदाई करने के बाद में छोड़ देते हैं कि यहां पानी नहीं मिलेगा, फिर दूसरी जगह गड्ढा करना शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप काम करते रहिए। शुरुआत में ये मोमेंटम जब बनेगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे आपका समय कम होता जाएगा, टीम बढ़ती चली जाएगी, आप भी काम करेंगे, आपके टीम के लोग भी काम करेंगे। 18 महीने में कुछ ऐसी पोजीशन होगी कि जितना काम करेंगे उतना आपको अर्निंग होगी। 24 महीने में ऐसा कुछ होगा कि टीम साइज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप रूबी लेवल पर, डायमंड लेवल पर पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस लेवल पर, मतलब इतने महीने में इस लेवल को अचीव किया है। तो आपका टाइम कम लगेगा, क्यों? क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, आपकी टीम भी काम कर रही है, तब वहां पर आपको टाइम कम देना पड़ेगा, लेकिन आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। 30 महीने बाद या कुछ समय के बाद में, 4-5 साल में ये पोजीशन होगी कि आपका टाइम ना के बराबर रहेगा लेकिन आपकी अर्निंग फिर भी बहुत ज्यादा आने वाली है। ये कंसेप्ट जब मुझे बताया गया कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, इसने मेरी आंखें खोली। और इसमें जब मैंने काम करना शुरू किया तो लगातार, ये आज समझ लीजिए करीब करीब 17 साल हो गए हैं, मुझे लगातार कैपिंग आ रही है, लगातार ये बढ़ती चली जा रही है, और लगातार ये जो नए प्लान की वजह से जो हमारी लेवल इनकम है, लगातार ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बेनिफिट होता चला जा रहा है। आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ आपके पास में लाइफ में यदि कहीं ऑप्शन है तो सिर्फ ये एक अकेला ऑप्शन है,
और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप नहीं तो फिर कौन करेगा, और अभी नहीं तो फिर कब करोगे, और सेफ शॉप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। ये सवाल तीन है जो मैं आपके साथ में छोड़ करके जा रहा हूं। और एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपके ड्रीम्स बड़े हैं या आपके ऑब्स्टिकल्स, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, यदि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो ड्रीम आपके छोटे हो जाएंगे, आपको दिखाई देगा तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम दिखाई देगी। सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने प्रॉब्लम की जगह अपने ड्रीम्स को फोकस करना शुरू करो। ड्रीम्स जितना बड़ा करोगे आपकी ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। होता क्या है ना कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं ना, मेरी भी यही आदत थी, हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं हम छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई दूध लेने जाएंगे ना तो हम लेने जाएंगे, मतलब दूध में पानी मिला देते हैं, घर में यदि हम दूध मिलाएंगे तो मिलावटी दूध आएगा, हमें महंगा दूध मिलेगा, क्यों ना हम खुद जाकर के दूध लेने जाएं। हम सब्जी लेने की बात करेंगे तो हम अपने हाथ से भिंडी छाट करके क्यों ना लेकर के आए। और कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीजों में हमारा समय कैसे निकल जाता हमें पता भी नहीं चलता। यदि देखा जाए तो टाइम इज मनी, टाइम ही है जो हमारा पैसा है, हमारी जिंदगी धीरे धीरे कम हो रही है। तो इन छोटी छोटी चीजों में टीवी का समय, आपका सोशल मीडिया का समय, और जो रिश्तेदारों में जाने का समय, बाकी जगह का समय, कहीं ना कहीं छोटा छोटा समय ये निकाल करके यदि आप पूरी तरीके से अपना ड्रीम बना लेते हैं और ड्रीम को फोकस करना शुरू करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे हो जाने वाले हैं। और जब आपके ड्रीम्स बड़े होंगे तब आप वास्तव में काम कर पाएंगे। मैंने तीन बातें कही थी आपसे, तीनों बातें मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। नंबर फर्स्ट सीक्रेट जो है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करें कि हाँ ये चलता है, ये बिजनेस चलता है। और ग्रेवल्स आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये वास्तव में बिलीव को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी, मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए नियामत है, क्योंकि इतने सारे लोगों की टेस्टिमनी लगातार हर दिन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, जहां पर किसी भी व्यक्ति की आप स्टोरी सुन के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति ने किस लेवल पर रहकर के इस बिजनेस को बिल्ड किया, वो कहां पहुंच गया, उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया वो क्या था, क्या बैकग्राउंड था, वो कहां पहुंच गया। सैकड़ों स्टोरीज हैं जो लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार कामयाब हो रहे हैं। आपको जरूर उससे प्रेरणा लेना चाहिए। और यदि आप बिलीव कर पाएंगे, सिर्फ एक अकेली चीज, यदि आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर, यदि आप बिलीव करते हैं इस कंपनी के ऊपर, यदि आप बिलीव करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी ऑफलाइन लीडर्स के ऊपर, अपने अपने टूल्स के ऊपर, तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप चाहे तो इन पर डाउट कर ले और आप चाहे तो बिलीव कर ले, विश्वास कर ले, और इन पर विश्वास करके इन पर काम करना शुरू कर दें। और वास्तव में जीवन में हम बिलीव तो करते ही करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हमारे जीवन बदलने वाला रहता है ना, तब कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और कहीं ना कहीं डाउट करना शुरू करते हैं। तो डाउट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जीवन में हम सड़ी सड़ी बातों के लिए कहीं ना कहीं बिलीव कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम 10-20 रुपए की टिकट लेकर के किसी बस में ट्रेवल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो बस ड्राइवर जो बस चला रहा है उसके पास में लाइसेंस है कि नहीं है, कितने दिन से वो गाड़ी चला रहा है, वो चला पाता है कि नहीं चला पाता है। और हम अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं 20-30 रुपए खर्च करके जिंदगी हवाले कर देते हैं। और जहां पर जिंदगी बदल सकती है वहां पर इतने सारे सवाल हम अपनी अपलाइनों के साथ में करते हैं, अपने सिस्टम के लिए करते हैं, अपने टूल्स के लिए करते हैं, और जो भी चीजें कहीं ना कहीं जो जीवन बदलने वाली है इससे बदल सकती है उस पर डाउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डाउट की पोजीशन से अपने आप को बाहर निकालें, विश्वास करें कि हाँ ये सारी चीजें चलती हैं। हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमारे पास बिलीव करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना तो इतने सारे लोगों की टेस्टिमनी थी, ना कोई पहली बार डायमंड बना था, ना किसी ने पहली बार कैपिंग अचीव करी थी, ना कोई बहुत अच्छे हमारे पास में प्रोडक्ट्स थे। बस एक बिलीव था कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला होने वाला है और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत जम के धूम मचाने वाली है। सिर्फ इस बिलीव की वजह से काम करना शुरू किया और देखिए किस तरीके से ये सारी चीजें जिंदगी में आगे सफल होती चली गई, सफलता दिलाती चली गई। आपको भी एक ही मैसेज है, बिलीव करें। दूसरी जो बात है कि आप क्विट करने की बात कभी भी ना सोचें। बिजनेस में अप एंड डाउन होंगे, कभी बिजनेस चलेगा कभी नहीं चलेगा,
कभी किसी हफ्ते चेक आएगा, कभी 2 हफ्ते लगातार चेक आएगा, तीसरे हफ्ते नहीं आएगा, कभी फिर आना शुरू हो जाएगा। तो ये पोजीशन आपकी है ना, वो अप एंड डाउन की चलती रहेगी, लेकिन क्विट करने की बारी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ में चल रहा है, ये हमारे साथ में भी हुआ था। शुरू के 6 महीने में बिजनेस बिल्ड करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 6 महीने में तो घर वालों से भी सामना करना पड़ता था, उनकी निगेटिविटी भी होती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे बिजनेस करेंगे और कैसे पैसे आएंगे, वो सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं हुआ करती थी। और उस समय जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब उतनी ज्यादा इस बिजनेस की वैल्यूज भी नहीं थी, क्योंकि लोग इस बिजनेस को टेम्परेरी बिजनेस के तौर पर देखा करते थे। आज तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, लगातार ये बिजनेस 20 सालों से आपके सामने है, कितने सारे लोग कामयाब हो चुके हैं आपके सामने है। लेकिन शुरुआत में सफलता थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलती है, चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सिस्टम को समझना पड़ता है, धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आती है, उसमें वक्त लगता है। और कई बार ये होता है, क्विट करना वास्तव में जीवन का सबसे आसान डिसीजन है, क्विट करना। और जीवन में मैंने देखा है कि लोग बहुत बड़े 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 प्लान बनाते हैं कि मैं आज से वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू करूंगा, मैं आज से अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा, आज से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करूंगा, और कहीं ना कहीं क्विट कर देते हैं, जो बात उनने डिसाइड करी थी उसी से क्विट कर लेते हैं। क्विट करना बहुत आसान है, और जब इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे सच बताएं तो किट करने के बाद दिमाग में आ सकती है, मेरे तो आया करती थी। मैं हमेशा अपनी वाइफ को बोला करता था कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, पता नहीं मुझे सब्सक्राइब मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई काम ही नहीं करता है, मैं जिन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूं कुछ देर के लिए तो काम करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं। ऐसे करके शुरू में बड़ा मुश्किल होता था बिजनेस को सस्टेन करना, बना मतलब काम करना, उसको रन करना। लेकिन बस यही रहा कि मैंने क्विट करने की बात कभी भी नहीं सोची। और क्विट क्यों नहीं कर पाया, तो उसकी एक ही वजह थी कि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ था, सिस्टम में रेगुलर जाता था, लोगों से टच में था, बुक्स रीड किया करता था जो बार बार मोटिवेट करती थी, बार बार काम करने के लिए जज्बा पैदा करती थी, और क्विट करने की बात नहीं सोची। आप सोचो कि मैंने यदि क्विट कर लिया होता था क्या होता है, क्या कंपनी रुक जाती, क्या ये काम रुक जाता, क्या ये अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, मेरे बगैर भी ये बिजनेस चलता रहता। लेकिन चूंकि मैं इस बिजनेस से जुड़ा रहा, इस बिजनेस में काम करता रहा, तो शायद यही एक अकेली वजह थी जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि इस लेवल पर हो जहां पर आपको डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, और ऐसा लग रहा हो कि नहीं जी अब कुछ और दूसरा काम करते, इसमें काम करके देख लिया, तो ऐसा कभी भी ना करें, एक ही स्पष्ट मैसेज है। नंबर थर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर ऑफ कमिटमेंट, उसको जानने की समझने की कोशिश करें। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको कमिटमेंट तो देना पड़ेगा, बगैर कमिटमेंट के ये बिजनेस नहीं होने वाला है। और शुरू में ये मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मुझे कमिटमेंट का पावर पता चला तो मैंने पूरी तरीके से अपना सारा काम साइडलाइन करके, सारी बातें लाइफ की जो थी उनको साइडलाइन करके पूरा फोकस इस बिजनेस पे, जिस दिन से मैंने करना शुरू किया इस बिजनेस में मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। होता यह है कि मैंने ये देखा लोगों के काम करने का तरीका, कि लोग स्पेयर टाइम काम करने की कोशिश करते हैं कि टाइम मिल जाएगा तो हम सेफ शॉप में काम करेंगे, बाकी तो मुझे ये करना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे और कोई काम है, मुझे बच्चों के कुछ टाइम देना है, मुझे वैकेशन पर जाना है, तो मुझे कुछ और करना है, और जब उनमें से टाइम मिलेगा तब हम सेफ शॉप में कुछ ध्यान देंगे। और ये एक एटीट्यूड है, यदि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और अभी मैंने देखा है कि जब तक मैंने सेफ शॉप को सेंटर से बाहर रखा हुआ था और बाकी चीजों को सेंटर पर रखा हुआ था, तो मेरा बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा था। और जब मैंने सारी चीजों को हटा करके सेंटर में, अपनी लाइफ के सेंटर में सेफ शॉप को रख दिया, इस अपॉर्चुनिटी को रख दिया, इसके काम को रख दिया, उस दिन से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। फिर मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में यदि कोई चीज थी तो सेफ शॉप थी, उसके बाकी चीजें जितनी थी वो कहीं ना कहीं साइड लाइन थी। और सिर्फ एक अकेला ये जो कमिटमेंट का जो एटीट्यूड था, जिसने शायद हर लीडर ने कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट दिखाया जिसकी वजह से वो कामयाब है। आपको भी मैसेज है कि कमिटमेंट के बगैर ये बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। आप पूरी तरीके से यदि इसमें फोकस करते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी आप सफलता ले सकते हैं। बहुत जल्दी बस 5 या 7 मिनट में मैं अपनी बातों को मैं यहां कंक्लूड करने वाला हूं।
मेरे को लग रहा कि शायद थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया ग्रेवल साहब। रहता है सेशन हमारा 8 बजे तक रहता है सर सेशन, तो अच्छा बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं है, वेलकम। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सेंटर में है, तो मैंने क्या कमिटमेंट दिखाया आपको बताता हूं। आज मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं था, जब मुझे इतनी सारी चीजें अचीवमेंट के रूप में मिल रही है, उसके एवज में मैंने जो कमिटमेंट दिखाया वो ना के बराबर था। लेकिन उस समय जब मैं कमिटमेंट दिखा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। मैंने क्या कमिटमेंट दिखाया था, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था, मैंने टीवी की तरफ नजर दिखाना भी बंद कर दिया था। सिर्फ एक ही चीज दिखती थी मुझे, सेफ शॉप। सेफ शॉप के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और उसके पहले मतलब मुझे ऐसा लगता था कि टीवी देखना मेरा अधिकार है। मैं जब घर से लौट के आऊंगा, मैं इतनी मेहनत करता अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो यार टीवी तो बनती बनती है। तो ये एटीट्यूड रहा करता था। मतलब सारी चीजें मुझे टेबल पर चाहिए होती थी, मुझे लगता था कि यार चाय भी मिल जाए, मैं टीवी देखते देखते चाय पीऊं। और वो जो टाइम था मैं कहीं ना कहीं किल कर रहा था, वो टाइम मुझे मिला, वो कमिटमेंट मैंने लिया कि टीवी तो देखना बंद, बिल्कुल टीवी देखना ही नहीं है। फिर मैंने देखा कि घर के जो छोटे मोटे काम थे, मेरी वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया। मैं उसका भी जरूर मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूं। सच बताऊं, किसी एक व्यक्ति को कामयाबी की मैं, यदि मैं समझ लीजिए कि पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, तो वो है मेरी पत्नी वर्षा, जिसने मुझे कदम कदम पर सहयोग किया, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। मेरे जो छोटे मोटे काम हुआ करते थे, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को कहीं उस एज में बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती थी तो डॉक्टर के यहां लेकर के जाना। मैं आपको एक वाक्य जरूर शेयर करूंगा कि जब मैं शुरुआती दिनों में जब बच्चे छोटे थे, तो मैं प्लान लेने के लिए मुझे जाना था, प्लान मेरे नाम से प्रमोटेड था। और दूसरी तरफ मेरे घर से फोन आ रहा था कि बच्चा छोटा बेटा जो है बहुत ज्यादा हाई फीवर में है, उल्टियां कर रहा है, और तुरंत यदि डॉक्टर के यहाँ लेकर के नहीं गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं चाहता तो मैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए सबसे पहले दौड़ लगाता, सारी चीजों को किनारे पर रख देता, या दूसरा तरीका तो ये था कि मैं कुछ मैनेजमेंट करता और प्लान भी अपना जारी रखता हूं। तो मुझे ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स आई थी, मुझे पता चला था कि प्रायोरिटी हमें किस तरीके से बनानी है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी वाइफ को तैयार किया, उसको मोटिवेट किया। मैंने बोला तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बढ़िया तरीके से तुम्हारा इलाज करेगा, तुम लेकर के जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, जैसे ही मैं यहां से फ्री होता हूं तुरंत मैं तुम्हारे पास में पहुंचूंगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने भी उलाहना देने की कोशिश करी कि भाई जैन साहब जो क्या इतने बिजी हैं कि आज बच्चे की तबीयत खराब है तब भी नहीं आ सकते हैं। तो मेरी वाइफ ने जो जवाब दिया वो शायद ये बिजनेस की ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से वो जवाब दे पाई और इस तरह की जो सिचुएशन थी उससे बाहर निकल पाई। हम एक जगह हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं, जहां पर इमोशनल रह करके हम सारी जो हमारी डिसीजन लेने की क्षमताएं होती है वो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। और वहां पर वर्षा ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ कि डॉक्टर आप हो या मेरे हस्बैंड हैं। तो बोले मैं हूं डॉक्टर। तो बोले मेरे हस्बैंड आ भी जाएंगे तो क्या करने वाले हैं, वो बाहर खड़े रहने वाले हैं, इलाज तो आपने ही करना है। वो आए या ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है, इलाज तो आप जारी रखो, जैसे ही वो फ्री होंगे वो तुरंत आने वाले हैं। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं हमें लेने पड़ेंगे, हमने लिए हैं, वो कमिटमेंट दिखाया है। और कमिटमेंट में यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखानी पड़ती है। इसी तरह से मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरी साले की शादी थी, जहां पर मुझे आप तो समझ ही सकते हैं कि साला मतलब एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर जीजा की बहुत बड़ी रोल होती है, जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मेरा एक ही सवाल था कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं डेटे अपनी एडवांस में देता हूं, जहां पर हजारों लोग हैं जो मेरा इंतजार करते हैं और जो बड़े सपने लेकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जब मैंने वहां टाइम दे दिया तो अब मैं आपको टाइम कैसे दे सकता हूं। मेरा उनसे सवाल था कि जब ये शादी फिक्सअप करी तो आपने टाइम मुझसे पहले क्यों नहीं लिया, और मैं यदि फ्री रहता और आपने टाइम लिया होता तो जरूर मैं आता, लेकिन आपने टाइम पहले रखा है और उस टाइम को मैं पहले से ही दे चुका हूं किसी और को, तो मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने वहां पर पंगा लिया। सिर्फ कमिटमेंट की बात है कि आप कैसे फोकस करते हो, कितने ज्यादा कमिटेड होते हो। इस पूरे दौरान में कई तरह की शादियां हुई, कई तरह के बर्थडे पार्टीज हुई, कई तरह के ऐसे इवेंट्स हुए जहां पर लोग सोचते हैं कि उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारी चीजों को इग्नोर किया। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, सारी चीजों पर जो
कई कई दिनों की छुट्टियों का जो रिवाज हुआ करता है वो मेरे दिमाग में भी थी। मेरा सोचना एक ही था कि या तो हम कामयाब होकर के जिंदगी भर हम दिवाली मनाएं, हर दिन दिवाली मनाएं, हर दिन होली मनाएं, या फिर होली या दिवाली के दिन साल में एक बार मनाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इतना कामयाब बनना है कि हर दिन होली और हर दिन दिवाली हम कर पाए, और वो कमिटमेंट आता चला गया। और उस समय मैंने जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया था, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मैं, आप अपने सच बताऊं तो मैं अपनी ड्रीम, अपने सपने की जिंदगी जी रहा हूं, ये मैं आपको बता सकता हूं। इसमें यदि हम देखेंगे तो ये एक स्लाइड है जिसको जरूर देखें, कि एक तरफ तो आपके पुराने थॉट्स हैं, पुराने विचार हैं जिनको लेकर के हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, हमारी कुछ पुरानी आदतें हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, और हमारी कुछ ओल्ड एक्शंस हैं जो हम करते चले आ रहे हैं। इन तीनों चीजों पर यदि काम करके यदि हम न्यू थॉट्स जो आपको आपके लीडर्स के माध्यम से मिलते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, उन थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है। कई बार ये होता है कि हम चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमें जो कुछ भी सिस्टम के माध्यम से बताया जाता है हम कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, और अपनी पूरी जो भी हमारी, जो समझ लीजिए कि हमारी नॉलेज है, वो हम कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन को दिखाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी क्यों नहीं हो सकती है, और शायद यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी नए थॉट्स आपको मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें आप। जो नई हैबिट्स आपको बनाने की बात की जा रही है, सुबह जल्दी उठना, फिर फोकस करना, दिन भर फील्ड पर रहना, थोड़ी सी मेहनत करना, बुक्स रीडिंग करना, ये कुछ हैबिट्स आपको जो बताई जा रही है, जो भी कोर स्टेप प्रोग्राम्स आपको बताया जाता है, तो ये हैबिट्स, नई हैबिट्स ही जो है आपको लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर के जाने वाली है। और न्यू एक्शंस, पुरानी एक्शंस क्या है हमारी, कि वही सोने का तरीका, वही उठने का टाइम, और वही अनमने ढंग से काम करने की हमारी सारी चीजें, जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको भी हमें चेंज करने की जरूरत है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओल्ड थॉट्स, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड एक्शंस को यदि हम चेंज नहीं करते हैं तो हमें ओल्ड रिजल्ट मिलने वाले हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही चलने वाली है। लेकिन अभी हम न्यू थॉट्स, न्यू हैबिट्स और न्यू एक्शंस पर काम करेंगे तो हमें नए रिजल्ट 200% मिलने वाले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इस पर जरूर ध्यान दें। अब मुझे आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं इस बिजनेस में, तो या फिर मेरा सवाल ये हो सकता है कि आप कैसे इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो मेरे आपसे दो सवाल हैं। नंबर फर्स्ट तो ये कि आप इस बिजनेस में क्यों, कैसे कामयाब होंगे। एक तो ये हो गया सवाल कि जो लोग किया करते हैं कि इस बिजनेस में हमें कैसे कामयाब होना है, कैसे कामयाब होना है, मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या करने से वो कामयाब होंगे, कोई ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी आप बात बता दें जिससे हम कामयाब होंगे। तो व्हाई इज मोर इम्पॉर्टेंट या हाउ इज मोर इम्पॉर्टेंट, दोनों में से कौन है, कि हमें क्यों करना ये जरूरी है या कैसे करना ये जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इन दोनों में हर बार कंफ्यूजन होता है। पुराना जो मेरा माइंडसेट था वो यही बार बार बोला करता था कि भाई कैसे, हमें जब तक पता नहीं चलेगा हम कैसे इस बिजनेस में काम कर पाएंगे, जबकि ये माइंडसेट हुआ करता। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि क्यों करना है इस बिजनेस को, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिली और मैंने अपने वाई को क्लियर किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपका वाई स्ट्रांग होगा, यदि आपके ड्रीम स्ट्रांग होंगे, तो इस बिजनेस को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। हाउ तो आप अपने आप निकाल लेंगे, कैसे इस बिजनेस को करना है वो तो आप अपने आप में ढूंढ ही लेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए एक करीब करीब 12 फिट 15 फिट लंबा एक लकड़ी का तख्ता है जो करीब 2 फिट चौड़ा है। मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा और आप इस तख्ते पर एक एंड से दूसरे एंड पर आप बगैर सहारा लिए आप क्रॉस कर जाइए। तो आप पूछेंगे कि भाई कौन सी बड़ी बात है, यहां से वहां तक जाना है, बिल्कुल कर लेंगे। तो जो 2 फिट चौड़ा है और करीब करीब 12-15 फिट लंबा है, तो आप इधर से चलेंगे उधर पर निकल जाएंगे, तो आपके लिए ये आसान है, कोई भी आदमी होगा बड़े आसानी से कर लेगा। लेकिन यदि इसी चीज को मैं बोलता हूं कि ये जो लकड़ी का तख्ता है
वो अभी जमीन पर नहीं है, ये दो बिल्डिंग के बीच में है, और वो जो बिल्डिंग है करीब करीब 200-200 फीट की बिल्डिंग है, मतलब बहुत करीब करीब 20-20 माले की बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग आसपास में है और दोनों के बीच में जो गैप है उस पर हम लकड़ी का जो तख्ता है वो रखेंगे। सिर्फ 2 फीट चौड़ा है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए यदि आपको कहते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, मुझे बताइए कितने लोग तैयार होंगे। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा, पैसे देने के बावजूद भी, अच्छी भरपूर एक अच्छी हैंडसम अमाउंट देने के बावजूद भी कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को रिस्क पर नहीं रखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि यार मुझे मिलने वाला क्या है, तो मिलने वाला तो कुछ नहीं है, जान जरूर जाने वाली है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है वहां पर आपके परिवार के लोग हैं, उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और यदि आप जाकर के बचाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के जो लोग हैं उनकी जान खतरे में है और वो उनकी जान खत्म हो सकती है। अभी आप बताइए, मैं आपको यदि पैसे देने की बात करूं कम ज्यादा या बगैर पैसे दिए भी आप वहां जाने के लिए तैयार हो जाओगे? निश्चित तौर पर आप कैसे भी करके टेक्निक निकालोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग काम करेगा, आप दिमाग लगाओगे और कैसे भी करके इधर से उस बिल्डिंग में पार हो करके वापस एक एक करके सारे लोगों को लाना चाहोगे। लाना चाहोगे कि नहीं लाना चाहोगे? यस निश्चित तौर पर लाना चाहोगे। एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जब यस आपका वाई क्लियर हो जाता है, पहले वाई क्लियर नहीं था कि मुझे क्यों करना है और क्यों स्ट्रांग नहीं था, आपके 10 लाख रुपए उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जब आपके परिवार के जान की बात आ गई तो आपके लिए एक रीजन बहुत स्ट्रांग हो गया क्यों करना है, क्योंकि आपको अपने परिवार के लोगों को बचाना है। और सिर्फ एक अकेली बात आपको ये नहीं बताती है कि आपको कैसे करना है, कोई भी बताने के लिए जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप टेक्निक निकालोगे, खुद अपने आप तरीके निकालोगे और आप कैसे भी करके वो रास्ता पार करोगे और अपने परिवार के एक एक लोगों को लेकर के आ जाओगे। तो यहां पर मैं यही क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्यों, क्योंकि हम हाउ के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। लेकिन यदि आपका वाई यदि क्लियर है कि आपका रीजन स्ट्रांग है, मैं इस बिजनेस में कामयाब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग डिजायर थी कि भाई मेरे को जीवन में एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी कैसे भी करके जिंदगी को निकालना है, काटना है, इस जिंदगी से बाहर आना चाहता था, मैं अपने परिवार के, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था, कुछ बड़े ड्रीम थे, कुछ बड़ा बनने की चाहत थी, और शायद वही एक स्ट्रांग डिजायर जिसकी वजह से इस बिजनेस में मैं कामयाब हुआ। और हर वो लीडर जो इस बिजनेस में कामयाब है, एक ही वजह हो सकती है, वो है उसका ड्रीम। आप भी अपने ड्रीम को बनाएं, और यदि ड्रीम आपके स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस को कैसे करना है ये तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे ये बिजनेस काफी डेवलपिंग स्टेज में है, जहां पर मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप यदि आज काम करेंगे तो कितने दिन में डायमंड बन सकते हैं, एकदम साइंटिफिक है। आपके लीडर्स आपको बताते हैं कि क्या क्या करने से क्या हो सकता है, बस उन लीडर्स को फॉलो करने की जरूरत है। आज सिस्टम पूरी तरीके से इतना स्ट्रांग है जो साइंटिफिकली आपको रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन फिर भी मैं एक एक स्लाइड और दिखाता हूं। इस स्लाइड को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और जब मुझ में कमी है और मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इसमें लोगों से बात नहीं कर पाता, मेरे में ढेर सारे टैलेंट नहीं है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मेरे मैं बहुत ज्यादा लकी नहीं हूं, मैं सेल्स में मास्टर नहीं हूं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें काम करने से रोकती है और सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, अपने ऊपर हम कहीं ना कहीं डाउट करना शुरू करते हैं। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि मैं भी कुछ इसी तरीके से सोचा करता था कि यार मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, लेकिन जब आगे बढ़ना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। और इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है। संभावना का बिजनेस कैसे है कि लोग मिलते चले जाएंगे, लोग आते चले जाएंगे, आपको पता नहीं है कि कैसे कोई नेक्स्ट व्यक्ति किसी किसी व्यक्ति को लेकर के आएगा, और कैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आपके साथ में आ जाएगा जो बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। कुछ स्टोरी थी वो मैं अभी स्किप करूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि बस चलते रहो, जैसे जैसे आप 4 कदम आगे बढ़ाओगे,
आपको अगले चार कदम पर क्या करना है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलता चला जाएगा। आज यदि सोचोगे कि मुझे डायमंड बनना है, आज मैं इस लेवल पर हूं और इस लेवल पर रह करके मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो शायद आप सही सोच रहे हो। लेकिन यदि आप वहीं खड़े रहोगे तो दिक्कत है, लेकिन चलते रहोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट, आपके माइंडसेट का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। जब आप डायमंड तक पहुंचेंगे तब तक पूरी तरीके से आप बदल चुके होंगे एक बहुत सक्सेसफुल लीडर के रूप में। तो आप रुके ना, चलते रहे, चलते रहेंगे तो रास्ते मिलते रहेंगे, एक ही मैसेज है। दूसरा, जब हम चलना शुरू करते हैं ना तो एक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट है जो जरूर बताना चाहूंगा। हमें लगता है कि यार अभी ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, अभी ये अभी सर्दी आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं और एक ऐसे समय का इंतजार करते हैं जहां पर सारी चीजें बहुत आइडियल हो जाएगी, तब अपना काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसा ना करें, आप चलना शुरू कर दें, अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते, मतलब शुरू में हमें ऐसा लगता है कि जब हम रोड पे निकलेंगे तो इतना सारा ट्रैफिक है, हम कैसे जाएंगे, इतना सारी अड़चने हैं, हम कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कितनी भी भीड़ रहेगी, आप अपनी गाड़ी को लेकर के, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, जब लेके निकलते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। यही मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके ड्रीम है और आप निकल जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग मिलते जाएंगे, आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बस एक ही चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा कि सराउंड योरसेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। आपका जो मिशन है वही मिशन के लोगों जिनका है उनके उनके बीच में अपने आप को सराउंड कर लीजिए, अपने आप को हमेशा उनके बीच में रखिए। और जब जब भी आप अपने आप को उनके बीच में रखेंगे आप जीवन में हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे। और आज हमारे सिस्टम में एक से एक हमारे पास में टाइगर्स हैं, एक से एक सक्सेसफुल लीडर्स हैं। कोशिश करें उनके सेशंस को अटेंड करने की, उनके वीडियो ऑडियो इन सारी चीजों को देखने और सुनने की, उनको फॉलो करने की, वो किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं, वो किस तरीके की बातें करते हैं, क्या उनके आइडियल्स हैं किस तरीके से। तो अपना कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर बनाओ और उन लोगों के बीच में हमेशा अपने आप को रखो जो वास्तव में इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। बस लास्ट में यही मैसेज है कि नए चुनाव करें, नए निर्णय लें, अपने जीवन का स्टेयरिंग खुद संभाल लें जो आपके हाथ में है। आपके जीवन का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करें। और यदि आप भरोसा करते हैं तो पूरी तरीके से फोकस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आके बहुत अच्छी सक्सेस ले सकता है, ये मैं आपको एंश्योर कर सकता हूं। लास्ट में फिर वो तीन सवाल आपके साथ में करता हूं और अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, कंक्लूड करता हूं कि इतना सब कुछ देखने के बाद, इतने सारे एपिसोड देखने के बाद, इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद निश्चित तौर पर आपका बिलीव लेवल बहुत हाई होगा। बस आपको एक ही चीज का, तीन चीजों का सवाल देखना है कि आप नहीं तो फिर कौन। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, और सेफ शॉप नहीं करोगे तो और कौन सी अपॉर्चुनिटी, हमें भी बताना। सेफ शॉप नहीं तो फिर क्या, और अभी नहीं तो फिर कब। मुझे लगता है कि हर दिन बहुत अच्छा होता है और आज यदि आप डिसीजन ले सकते हैं तो जीवन में डिसीजन जरूर लें। मैंने इसी तरह के किसी लाइव सेमिनार को अटेंड किया था, आप अभी वर्चुअल अटेंड कर रहे हैं, मैंने वहां पर डिसीजन लिया था कि मैं भरोसा करूंगा तो अपने आप पर करूंगा, मैं करूंगा तो मैं अपने मन की करूंगा। मैंने अपने मन को और अपने ऊपर बिलीव किया, मैं आपके सामने हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पोटेंशियल हर इंसान में होता है, आप अपने ऊपर भरोसा करें, आप भी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बहुत जोरदार तालियां सर के लिए।